आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। थर्मो डायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली होती क्या है? थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन। हीट हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मा, और मोशन मीन्स होता है गति। इसी शब्द से आपको पता चल रहा होगा, जहां पर ऊष्मा की गति के बारे में, ऊष्मा की गति के बारे में अध्ययन किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास एक रॉड है। इसको एक साइड से हम जब गर्म करते हैं, मान लेते हैं ये हमारी मोमबत्ती है, कैंडल, मोमबत्ती से इसको गर्म करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर लो होगा। धीरे धीरे क्या होगी, हीट आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और पूरी रॉड जो है हमारी गर्म हो जाएगी कुछ समय बाद जब हम देखें। तो पूरी रॉड गर्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया कि हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो रही, और हीट जहां पर स्थानांतरित की जाती है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। इधर का टेम्परेचर, जिधर से हीट हम देते हैं या इसको देते हैं ऊर्जा, वहां से क्या होता है, हमेशा ज्यादा रहती है ऊर्जा, इसीलिए इसका तापमान ज्यादा, इधर का कम होता है। तो ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये फंडा है हीट को ट्रांसफर करने का, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो, ठीक है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। हिंदी में इसको कहेंगे उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। ये होते हैं ऊष्मा जो है स्थानांतरित होने का तरीका, या ट्रांसफर होने का क्या मेथड हो सकता है, ऊष्मा को कैसे हम स्थानांतरित करते हैं। ये तुम्हारे पूरे नियम जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर लागू होते हैं, पूरे यूनिवर्स के अंदर लागू होते हैं। दिस इज रूल एप्लीकेबल फॉर द यूनिवर्स।